हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एंटरटेनमेंट राइडर्स। मैं हूं अज्जू। और मैं हूं सानी। बचपन से सुना है कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती, जैसे कि हमारे बादशाह ऑफ बॉलीवुड ने कहा है। अगर ये बात सच है तो आज आपको कुछ ऐसे 10 बियर्डेस्ट कपल्स के बारे में बताएंगे जिनको देख के आप भी सोचेंगे कि क्या इनकी जोड़ियां सच में रब ने बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी भंकर। चल गया। अभी मजा आएगा ना। जिए टियान रोंग, द चाइनीज मैन हु गेट्स मैरिड विद अ डॉल। जिए टियान रोंग नाम ही इतना अजीब है तो काम भी अजीब ही करेगा ना। लोग बचपन में डॉल के साथ खेलते हैं, सोते हैं, ज्यादा से ज्यादा खाना खा लेते, नाम के लिए बीवी तक बना लेते, लेकिन बचपन में, भरी जवानी में नहीं। इस चूसे वे आम ने तो शादी ही कर डाली। सुनने में वियर्ड लगता है ना। हाँ, शादी। जिए एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, गर्लफ्रेंड भी थी, बट ये गर्लफ्रेंड को किस भी नहीं करता था बिकॉज ही वॉज वेरी सेंसिटिव अबाउट हिज स्किन। अबे किस करना होता है, सुशी ऐसा खा लेना नहीं होता। अब ये सब के चक्कर में इसको मूछी मिली। जी हाँ, मूछी। ऑनलाइन ऑर्डर की हुई मूछी जी को अफेक्शन और इसके बचपन के प्यार से ज्यादा प्यार करती थी। इसके इंटरव्यू में इसने कहा कि जिए और इसकी गर्लफ्रेंड जब रिलेशनशिप में थे तब वो मोबाइल में ही घुसी पड़ी रहती थी, बट मोची के साथ इट्स डिफरेंट। जी का कहना है कि मोची उसको सबसे ज़्यादा अटेंशन देती थी और सबसे ज़्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट करती थी। सच में चाइनीज लोगों का स्क्रू ढीला ही होता है। पिक्सी फॉक्स एंड जस्टिन जेड लिखा, ये कपल को तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल देना चाहिए। पिक्सी को रियल लाइफ की बारबी डॉल बनना था, इसीलिए उसने 17 ऑपरेशंस कराए जिसमें 4 बूब जॉब्स, लिपोसक्शन, रिमूवल ऑफ रिब्स। अबे इतना तो बवासीर और अपेंडिक्स के ऑपरेशन में भी नहीं करवाना पड़ता। खैर, बात हो गई अब लड़की की, लेकिन इसका छावा भी इससे कम नहीं है। इसने भी अपने बॉडी के साथ 340 कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाए हैं, जिसके अंदर 4 नोज जॉब एज वेल एज इम्प्लांट ऑन शोल्डर्स और बाइसेप्स के साथ भी। पहले ये दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे विद मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट, अबे ये क्या होता है, फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट तो सुना था। खैर, बड़े लोग हैं, करते होंगे। नेक्स्ट कपल है काइली जोन्स एंड मार्जरी मक्कूल। जब मैंने निशब्द मूवी देखी तो मुझे लगा कि प्यार में इतना एज गैप डिफरेंस हो सकता है क्या, क्योंकि ये राम गोपाल वर्मा जब शोले जैसी मूवी की माँ बहन एक कर सकता है तो ग्रैंडपा लोग से टाइटैनिक वाले रोमांटिक सीन्स तो करवा ही सकता है। लेकिन ये कपल भी कुछ वैसा ही है। 31 साल का लौंडा काइल को दादिया पसंद है। जी हाँ, दादिया। वियर्ड, वेरी वियर्ड। आई मीन बुरा नहीं है, वैसे ही प्यार अंधा होता है, लूला, लंगड़ा, बहरा, काना और पता नहीं क्या क्या होता है। सो मार्जरी जो 60 ईयर्स की है, 37 साल से वो सिंगल है अपने पति से सेपरेटेड होने के बाद। काइल और मार्जरी की एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जिसका नाम है एक्सट्रीम। इसमें इन दोनों की 5 साल की रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। मार्जरी का ये कहना है कि काइल उनके बेटे जैसा है, लेकिन जब ये दोनों डिंग डोंग करने जाते हैं तो उसे अलग ही फीलिंग आती है, उसके पुराने थिएटर में DDLJ मूवी लग जाती है। अब बात करेंगे छोटा चेतन और वंडर वुमन की। आई मीन वन ट्रॉयर जो सिर्फ 2 फीट और 8 इंचेस के है, और जो जेनेविव जो इस फोटो में काफ़ी कमाल की लग रही है। जेनेविव जो माइंड मी मूवी से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। दोनों काफ़ी कंफर्टेबल थे अपने रिलेशनशिप में और इनका सिलसिला 2 साल तक चलते रहा। और 22 जनवरी 2004 में दोनों ने शादी कर डाली। यहाँ तक तो ठीक था, बट 25 घंटे बाद जब अपने टीरियन लैनिस्टर सीढ़ी लेके कुछ करने गए तब जेनेविव को रियलाइज हुआ और अगले ही दिन तलाक तलाक हो गया और हमारे छोटा चेतन के सारे अरमान बाथरूम में बह गए। नेक्स्ट लिस्ट में है छोटे से क्यूट से कपल पॉलो गैब्रियल और कटोचिया कोशिनो। ये तो सच में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। इनकी लव स्टोरी और कुछ से जमाने से चलती आ रही है। वैसे पॉलो 31 ईयर्स के और कटोचिया 28 ईयर्स की, दोनों की हाइट 35-35 इंच की है। ये दोनों पहली बार 2006 में मिले। 4 साल तक इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करी और फिर बाद में शादी कर डाली। पॉलो जो एक सरकारी नौकरी करते हैं और कटोचिया जो कि एक ब्यूटी सलून की ओनर है। अपने हाइट की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है, बट नॉट ऑल ऑफ इट्स गुड। दे फाइंड दैट बींग टुगेदर अट्रैक्ट्स मोर अटेंशन, बट इक्वली बींग टुगेदर दे गेट मोर स्ट्रेंथ
टू डील विद सच काइंड ऑफ अटेंशन। लिस्ट में अगले कपल है एंटोन क्राफ्ट एंड चाइना बेल। ये कपल साबित करता है कि साइज डजंट मैटर व्हेन इट कम्स टू लव। साइज, समझ रहे हो? समझ रहे हो? दिल का साइज बड़ा होना चाहिए। अबे साले। In fact, the 4'4" bodybuilder has a strict rule of only dating women who are over a foot taller than him. मतलब ऊंचाइयों को छूने का शौक रखते हैं जनाब। So China, जो कि एक ट्रांसजेंडर है, 6 फुट लंबी, इनके लिए परफेक्ट फिट बैठती है। और देखते ही हमारे हीरो को लव भी हो गया। लिस्ट में अगले हैं शॉन स्टीफनसन एंड मिंडी निस। शॉन इज एन अमेरिकन थेरेपिस्ट, अ सेल्फ हेल्प ऑथर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। ही वॉज बॉर्न विद अ रेयर कंडीशन कॉल्ड ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ड्यू टू विच ही हैज फ्रेजाइल बोन्स, स्टैंड्स ओनली 4 feet टॉल एंड यूजेस अ व्हीलचेयर टू मूव अराउंड। वियर्ड बात यह है कि फिजिकल कंडीशन प्रॉपर ना होने के कारण भी उनकी वाइफ का कहना है कि वो सेक्सुअली काफी ज्यादा एक्टिव है। अब पता चला टीरियन लैनिस्टर का कॉन्फिडेंस कहां से आता है। That's what I do. I drink and I know things. लिस्ट में अगला कपल है पॉल एंड मारिया बुट्स्की। एक के साथ एक फ्री तो सबको पसंद है, लेकिन एक लवर के साथ दूसरा लवर फ्री, ये काफी वियर्ड लगता है। मारिया की सोच और उसका दिल काफी बड़ा है। इसके लिए ना ही वो अपने पति को छोड़ना चाहती थी और ना ही अपने एक्स लवर को, इसलिए दोनों को उसने एक ही अडॉप्टर में पिन घुसाने को बोल दी। अब ये अनयूजुअल रिलेशनशिप और कितना दिन चलता है ये तो पता नहीं, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा खुश है और मजे से जी रहे हैं। लिस्ट में अगले कपल है गैब्रिएला एंड विक्टर पेराल्टा। गैब्रिएला एंड विक्टर पेराल्टा हैव 77 बॉडी मॉडिफिकेशंस बिटवीन देम। दिस इंक्लूड्स 50 पियर्सिंग्स, 4 माइक्रोडर्मल्स, 11 बॉडी इम्प्लांट्स, 5 डेंटल इम्प्लांट्स, 4 ईयर एक्सपैंडर्स, 2 ईयर बोल्ट्स एंड 1 फोक टंग। 90% इनकी बॉडी पूरी टैटू से भरी हुई है। दे होल्ड द ऑफिशियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट मॉडिफाइड मैरिड कपल इन द वर्ल्ड। ये एक दूसरे के लिए बने हुए कपल एक साल से अर्जेंटीना में अपनी लाइफ बिता रहे हैं। ये कहते हैं कि वी मेट 18 इयर्स अगो, वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर एंड वी लव ईच अदर वेरी मच। We both have lot of tattoos and the modification on our bodies, and we continue to get them. We don't really care what other people think. Next in the list is Amanda Rogers and Sheba. वो कहते हैं ना कि dog is a man's best friend. Man? And what about women? क्योंकि इस महिला जयवर्धना जैसी शक्ल की औरत ने कुत्ते से शादी कर ली है। जी हाँ, कुत्ते से। For the 47-year-old British divorced woman, she has married her pet terrier dog called Sheba. वैसे ऐसा नहीं है कि इसने मर्द से शादी नहीं की, की लेकिन चली नहीं। इसका कहना है कि इसका कुत्ता शीबा बहुत वफादार है, लॉयल है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और सबसे मेन बात, इनका झगड़ा होता ही नहीं है, और झगड़ा होता भी है तो कुत्ता सिर्फ भौंकता है। भगवान इनकी जोड़ी को सही सलामत रखे और दुआ करते हैं कि कोई इस शीबे को कोई शिबी ना मिले ताकि उसके साथ ये भाग जाए, क्योंकि पिक में ऐसा लग रहा है कि बहुत अत्याचार होते हैं शिबे पे। पता नहीं कौन कौन से पोजीशन, कौन कौन सी चीजें इसको करनी पड़ती होगी पति होने की वजह से। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वियर्ड कपल्स के ऊपर वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी टॉप 10 बातें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो इसके लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।